इसको आपने बना के थोड़ी देर ऐसे रखने देना है, रख देना है, ताकि ये समुद्री झाग जो मिलाइए थोड़ी सी और इसके गुण इसमें आ जाएं। बट फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप इसको पहले इसका पाउडर नहीं बनाते हैं मिक्सी में डाल के, तो ये बहुत ज़्यादा महीन पेस्ट नहीं बनेगा, ऐसा ही बनेगा। लगाने के तरीके का ध्यान रखिए, वो मैं आपको बताती हूँ। आज के वीडियो में सरप्राइज़ ये है कि भाई ये फिटकरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ये सोच लिया है कि भाई ये फिटकरी है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपने बड़े सारे वीडियो देख लिए होंगे 10 रुपए के पत्थर से ये कर लो वो कर लो चमका लो, लेकिन इससे चेहरा चमकेगा दोस्तों। आज का नुस्खा खास इसलिए है क्योंकि ये आपके ओपन पोर्स और पिगमेंटेशन मलाजमा और छाइयों पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा दोस्तों। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कुदरत केयर में, और मैं हूँ मोनिका। हमेशा की तरह आज भी एक छोटी सी कोशिश है आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढने की दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, आपने वीडियो पूरा और ध्यान से देखना है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जब वीडियो पूरा देखते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाया करें, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने में दोस्तों। पिगमेंटेशन मलाजमा, ओपन पोर्स, पोर्स को श्रिंक करना या काले दाग धब्बे हटाना या ब्राउन दाग धब्बे हटाना चेहरे से, ये सारी समस्याएं इंटरनली कनेक्ट होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपन पोर्स की। ओपन पोर्स जो होते हैं ना दोस्तों, उसको श्रिंक करना होता है, क्लोज नहीं करना होता है। वो एक जरिया होता है आपकी त्वचा के सांस लेने का। तो उसको अगर बहुत ही कम समय में जल्दी जल्दी में श्रिंक करना चाहते हैं, तो आइस जो होती है ना, वो सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है। सुबह शाम दोनों टाइम ठंडे पानी से चेहरा वॉश करें, उससे पोर्स जो होते हैं श्रिंक होते हैं। लेकिन मेक श्योर करें कि उससे पहले आपने अपना चेहरा अच्छे से क्लीन किया होना चाहिए। आप किसी भी क्लींजर या जो भी फेस वॉश वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वो कीजिए, दिन में 2 बार ये जरूरी है दोस्तों। अब आते हैं काले दाग धब्बे, मलाजमा और पिगमेंटेशन। ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, त्वचा संबंधी समस्याएं हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तीनों चीज़ें कनेक्ट होती हैं। पिगमेंटेशन जो होता है, ये बहुत बार सन टैन की एक मोटी लेयर जब होती है, वो डैमेज जब स्किन के अंदर चला जाता है ना, तब वो पिगमेंटेशन बन जाता है। मलाजमा जो होता है, वो स्किन के तीन से चार लेयर नीचे जब जाता है, वो रिकवर होना थोड़ा मुश्किल होता है। उसका एक आसान तरीका होता है लेज़र ट्रीटमेंट जो होता है, उससे आप कर सकते हैं। काले दाग धब्बे और ब्राउन दाग धब्बे जो होते हैं, ये पेट संबंधी समस्याओं की तरफ इशारा करते हैं। आपके लिवर को डिटॉक्स करने की आपको आवश्यकता होती है। अब मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताती हूँ कि चेहरे पे लगाना क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपने अपने खाने में ड्राई फ्रूट्स जरूर ऐड करने हैं। सोने से पहले रात को 1 चम्मच घी, देसी घी या कोकोनट ऑयल या आप अरंडी का तेल, ये सारी चीज़ें ना गर्म पानी या गर्म दूध के साथ आप खाएं, इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है आसानी से, ठीक है। पिगमेंटेशन और प्लाज्मा के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है खजूर, डेट्स जो होते हैं, उसको ओवरनाइट आप पानी में या दूध में सोख करके रखें और सुबह उसका मिल्क शेक बना के पिए दोस्तों। तो ये मैंने आपको टिप्स बताई हैं, और अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं होम रेमेडी कैसे बनानी है। इसको बोलते हैं समुद्री झाग। ये आपको पंसार की शॉप से या आयुर्वेदिक शॉप से बहुत आसानी से मिल जाएगी, लेकिन मतलब आप इस होम रेमेडी को बनाने के लिए समुद्री झाग का ही इस्तेमाल करें। ये पाउडर फॉर्म में भी आती है और ऐसे भी मिलती है। आपने इस तरह से ये आपको पंसार की शॉप से आयुर्वेदिक शॉप से ये मिल जाएगा, तो इतना सा ही टुकड़ा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप ये लगाने से पहले अपनी त्वचा का टेक्सचर जरूर चेक करें, पैच टेस्ट जरूर करें, तो आपको लाभ मिलेगा। अब आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हम रोज वाटर इसमें डाल के और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे इस तरह से, ताकि ये इसमें अच्छे से, वैसे तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इस तरह हाथ से आप करेंगे तो भी ये अच्छे से मेल्ट हो जाता है। तो हमने इसको थोड़ी देर इसी तरह से छोड़ देना है और फिर हम इसको पीस लेंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए, ये पीस के ना, मतलब इसको मैंने चम्मच से थोड़ा सा इस तरह से प्रेस किया है, तो ये ऐसा ही होता है। मतलब इसमें अगर आप चाहें तो आप जब ये ड्राई होता है ना तभी आप इसको पीस लीजिए, लेकिन मुझे डिफरेंट डिफरेंट तरह से यूज करना होता है इसको, तो मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ और इसको थोड़ा सा हम ऐसे
मेल्ट होने देंगे इसके अंदर। बट ये बहुत ज़्यादा, अगर आपको लगे कि भाई बहुत ज़्यादा ही ये ड्राई हो जाए, मतलब एकदम ऐसा महीन वो बन जाएगा, तो ऐसे नहीं बनेगा। उससे पहले आप इसको थोड़ा सा पीस लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, अब मैंने इसमें मिक्स करना है थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर, क्योंकि हम बहुत ही यूनिक सा ये फेस मास्क बना रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं, आपको इसी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे पास और ज़्यादा ऑप्शन नहीं है इसके। अब मैं इसमें इस्तेमाल करने लगी हूँ एलोवेरा जेल का। एलोवेरा जेल जो समुद्री झाग जो होती है ना, वो थोड़ी सी तेज होती है, शार्प होता है वो, हा? तो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए हमने यहाँ एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें मिक्स करें ऑयल, ठीक है, या मलाई। इसको आपने बना के थोड़ी देर ऐसे रखने देना है, रख देना है, ताकि ये समुद्री झाग जो मिलाई है थोड़ी सी और इसके गुण इसमें आ जाएं। बट फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप इसको पहले इसका पाउडर नहीं बनाते हैं मिक्सी में डाल के, तो ये बहुत ज़्यादा महीन पेस्ट नहीं बनेगा, ऐसा ही बनेगा। लगाने के तरीके का ध्यान रखें, वो मैं आपको बताती हूँ। इस पैक को जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने वहीं लगाना है जहां आपको समस्या है। जैसे यहां काले दाग धब्बे ज़्यादा होते हैं तो हम यहां लगाएंगे, बस इस तरह से, क्योंकि हमने इसको भिगो के रखा है तो इसने अपना असर कर दिया है दोस्तों। तो मैं पूरे चेहरे पे नहीं लगाऊंगी, जहां मुझे छाइयाँ हैं थोड़ी सी या ये समस्या है वहीं मैं लगाऊँगी। आप इसको पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हैं चाहे, लेकिन उससे पहले आपने पैच टेस्ट जरूर करना है। इसका इस्तेमाल आप रोज कीजिए अगर समस्या बहुत ज़्यादा है, और अगर आप चाहते हैं कि ये रिज़ल्ट अच्छे दे तो ज़्यादा समय तक आप इसको लगा के रखिए। अब आपने इसको लगा रहने देना और नॉर्मल पानी से चेहरा वॉश करना है, और उसके बाद अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र या सिरम जो भी आप लगाते हैं वो जरूर लगाना है। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये लाभकारी होगा। दोस्तों हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन और नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत सारा अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।